नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीबीज टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रही है जी टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो भाग्य लक्ष्मी की, जहां की कहानी ना मलिष्का के लिए उलझ कर रह गई है। मलिष्का की जिंदगी में एक बार फिर से लक्ष्मी नाम का तूफान आ चुका है, और ये तूफान अकेला नहीं आया, अपने साथ एक छोटे तूफान पारो को जरूर लेकर अपने साथ आया है। ऐसे में मलिष्का की जिद है कि वो लक्ष्मी को ऋषि की जिंदगी से बाहर निकाल कर ही दम लेगी, लेकिन ऋषि काफी खुश है कि उसकी जिंदगी में उसकी लक्ष्मी और पारो दोनों वापस आ चुके हैं। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मलिष्का जो है ना, वो लक्ष्मी और पारो दोनों पर वार करने की कोशिश करेगी, चाले चलेगी दोनों के खिलाफ, ताकि दोनों का ओबेरॉय मेंशन में रहना मुश्किल हो जाए। दोनों को इतनी ज्यादा परेशानी हो, इतना वो तंग करें उन लोगों को कि ये लोग खुद ही ओबेरॉय मेंशन छोड़कर चले जाएं, और घर वाले ऐसा करें कि इन दोनों को खुद ही घर से बाहर निकाल दें। अगर पारो ज्यादा से ज्यादा बदतमीजी करेगी, या पारो के साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें होंगी, या पारो के जरिए घर वालों को नुकसान पहुंचेगा, तो ये सारी चीजें होंगी तो मलिष्का का काम आसान हो जाएगा। तो मलिष्का ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रही है जहाँ पर लक्ष्मी और पारो विलेन बन जाएं। और तभी यहाँ पर पंडित जी से मिलती है हमारी प्यारी मलिष्का, और उसे याद आता है कि कैसे उसने लक्ष्मी को लक्ष्मी के खिलाफ नीलम मामी को पंडित के जरिए भड़काया था, तो क्यों ना इस बार भी वही पात्रा आजमाया जाए। और फिर क्या, यहाँ पर जो मलिष्का है वो दोनों की कुंडली लेकर पहुंचने वाली है नीलम के पास, और कहने वाली है कि इस बार भी आप अपने घर में खुद ही मनहूस लोगों को लेकर आ गई हैं। तो देखिए, पंडित जी से मैंने बात की थी, जहाँ पंडित जी ने सिर्फ लक्ष्मी को ही नहीं बल्कि पारो को भी इस घर के लिए मनहूस कह दिया है। अगर पारो यहाँ पर ज्यादा दिन रही तो इस घर में बहुत कुछ बुरा हो सकता है। और ये सब बोलकर यहाँ पर नीलम के मन में जो है पारो और लक्ष्मी के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करती है मलिष्का। लेकिन जैसे ही नीलम अपनी पोती के बारे में मनहूस शब्द सुनती है, नीलम गुस्से में बौखला उठती है और जड़ देती है मलिष्का के गालों पर जोरदार तमाचा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पोती को मनहूस बोलने की। अब यहाँ से मलिष्का की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मलिष्का शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो नीलम को ये साबित करना चाहती है कि सच में पारो और लक्ष्मी मनहूस है इस घर के लिए, और इसीलिए कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करती है जिससे पूरे घर वालों के ऊपर ना काफी सारी परेशानियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, जिनका वो पूरा इल्जाम जो है ना लक्ष्मी और पारो पर लगाएगी कि इन दोनों की वजह से ही घर में ये सब कुछ हो रहा है, ये नेगेटिविटी लेकर आई है हमारे घर में, ये मनहूस है, अपशगुन है, वगैरह वगैरह। अब देखते हैं नीलम क्या हुआ कि ये सब घटनाएं देखने के बाद उन्हें भी ऐसा ही लगने लगेगा, या फिर वो सच का पता लगाएगी। क्या कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा।